दोस्तों आज हम आर्सेनिक ऐप के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर श्वेता संपूर्ण स्वास्थ्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्सेनिक वीकनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वीकनेस यानी कि अगर थोड़ा सा भी काम करने से आपको थकान महसूस हो रही है या फिर वीकनेस लग रहा है तो आप आर्सेनिक को ज़रूर लीजिएगा। थकान आपको किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि ब्लड लॉस हो बॉडी से, किसी भी पार्ट से अगर ब्लड लॉस हो रहा है या फिर बॉडी के किसी भी कंप्लेंट्स की वजह से अगर आपको थकान महसूस हो रही है या फिर फीवर की वजह से आपको थकान महसूस हो रही है तो आप आर्सेनिक के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों आर्सेनिक के पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होता है। अगर कोई पार्ट में जलन हो रहा है तो इस तरह से जलता है जैसे कि आपने आग को छू लिया हो, लेकिन ये है कि उसको, उस पार्ट को आप हॉट एप्लीकेशन से ही बेटर फील होता है या फिर हॉट ड्रिंक लेने से बेटर फील होता है। आर्सेनिक के पेशेंट को कोल्ड वाटर के लिए बहुत ज़्यादा प्यास रहती है, उसे ठंडा पानी ही पीने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको पीते ही स्टमक में भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए पेशेंट को सिप्स में पानी पीना पड़ता है, घूंट घूंट करके पानी पीना पड़ता है, कभी कभी तो वॉमिटिंग हो जाता है। दोस्तों आर्सेनिक फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टमक इतना ज़्यादा इरिटेबल रहता है कि जो कुछ भी खाता है पेशेंट ऐसा लगता है कि गले में ही रखा हुआ है, अंदर स्टमक में पास ही नहीं हो रहा है, और वॉमिटिंग कभी कभी खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद वॉमिटिंग हो जाता है। हार्ट बर्न और एसिडिटी आर्सेनिक में बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होता है। फूड के स्मेल या फिर देखने मात्र से स्टमक कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, स्टमक इरिटेबल हो जाता है, और फिर उसमें स्टमक के कंप्लेंट जो है वो आइसक्रीम या फिर आइस वाटर को लेने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आर्सेनिक में पीरियोडिसिटी बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होती है। अगर आर्सेनिक के पेशेंट के सिम्टम्स एवरीडे मिडनाइट या फिर मिडडे में बढ़ जाते हैं, एवरीडे मिडनाइट यानी कि 12 o'clock के बाद बढ़ जाता है, और जो है एवरी 15 डेज या फिर एवरी ईयर रिटर्न हो जाता है। जैसे कि कोई कंप्लेंट्स उसके बेटर हो गए हैं तो वह उसका सिम्टम्स या कंप्लेंट्स फिर से वापस 15 डेज के बाद आ जाता है या फिर एवरी ईयर रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है। आर्सेनिक एंग्जाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे बच्चों में एग्ज़ाम्स के टाइम पर उन्हें नर्वस फील होता है, पैनिक हो जाते हैं बच्चे, तो ऐसे समय में अगर बच्चों को 2-2 ड्रॉप्स आर्सेनिक के दिए जाएं तो उनका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। एंग्जाइटी के दौरान इनसिक्योरिटी फीलिंग भी आती है, उसके लिए भी आर्सेनिक बहुत इफेक्टिव है। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है स्कैल्प में, ईचिंग स्कैल्प है, सेंसिटिव है, जो कि कॉम भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक ज़रूर लेना चाहिए। आर्सेनिक ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रेक्टम जो एनस है वो फायर की तरह बर्न होता है, लेकिन पाइल्स जो है या फिर एनस जो है वो रिलीव हॉट एप्लीकेशन से ही होता है। वार्म वाटर में बैठने से पाइल्स रिलीव होता है। आर्सेनिक में इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक रहता है कि वह कोल्ड एप्लीकेशन से ही बेटर फील होता है। जैसे कि अदर सिम्टम्स उसके हॉट एप्लीकेशन से बेटर होते हैं, बट हेड सिम्टम्स, हेडेक उसका कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर होता है। आर्सेनिक एस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एस्थमेटिक अटैक जो है वो 12 o'clock के बाद ही आता है। पेशेंट जो है सीवियर ऑफ सफोकेशन की वजह से सो भी नहीं पाता है, उसे बैठकर ही रहना पड़ता है, बैठने से ही उसको आराम मिलता है। आर्सेनिक सियाटिका के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लोअर लेग पैरालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें कि
अगर आपका किसी पेशेंट का लोअर लेग पैरालाइज्ड है तो आर्सेनिक 30 ज़रूर लेना चाहिए दिन में 3 बार। डायबिटिक फुट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, सोरियासिस के लिए इफ़ेक्टिव है, स्किन ड्राई रफ़ हो जाता है, बर्निंग सीवियर ईचिंग होता है स्किन में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आर्सेनिक एसाइड्स में, यानी कि जिनके पेट में पानी भर जाता है लीवर में सूजन की वजह से, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। स्टमक अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आर्सेनिक के 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग 4 times a day लेना चाहिए। अगर आप पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर 4 pills 4 times a day लेना चाहिए। दोस्तों मेरे आर्सेनिक सेप्टिक फीवर, टाइफॉइड के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है जिनको, उनको आर्सेनिक ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।